speaker is my teacher, Professor Jatashankar, sir. Sir, you are invited, and please unmute yourself and deliver your lecture, sir. Professor Jatashankar, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. प्रोफेसर केसी पांडे को धन्यवाद देते हुए और पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय को शताब्दी समारोह की बधाई देते हुए मैं अपने फेलो स्पीकर्स को का अभिवादन करता हूं। हमारे वरिष्ठ और समकक्ष अनेक मित्र दिखाई पड़ रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और सचमुच जो पांडे जी ने शुरू में कहा कि कई स्पीकर अन्य जगहों पर भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी कुछ इस तरह का संकट था तो मैं कोशिश ये करूंगा कि केसी पांडे जी के लिए कुछ मिनट बचाऊं, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि एक घड़ी आधी में कछुआध, हमें तो आप आधा मिनट भी दे देंगे तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो इस दृष्टि से मैं थोड़ी सी बात कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने टॉपिक जो उनको सजेस्ट किया था वो स्वामी विवेकानंद पर था, और मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक धरातल पर सही अर्थ में, सही स्वरूप में वेदांत की प्रस्तुति करने वाले स्वामी कहिए, आचार्य कहिए, साधु कहिए अथवा स्कॉलर कहिए, इस रूप में हम स्वामी विवेकानंद को पाते हैं कि उन्होंने वेदांत दर्शन को ठीक परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश किया। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर आरपी सिंह इस बात को गिना रहे थे कि कैसे वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने एक रद्दी पिक्चर पेंट किया भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन और चिंतन की। स्वामी विवेकानंद ने उस धूल को हटाने की कोशिश की जो धूल उन लोगों ने छिटका रखी थी, और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वेदांत दर्शन को प्रस्तुत किया। एक उनका बहुत बड़ा योगदान है ये। दूसरा, प्रोफेसर सिन्हा ने शुरू में ही ये कहा था कि ये एक चार्ज लगता है और इस तरह का एक प्रश्न उठता है कि क्या वेदांत दर्शन शांकर वेदांत के बाद भारत में दर्शन समाप्त हो गया है, तो होगा पूरा। और उसका उत्तर भी उन्होंने अच्छा दिया था कि नहीं, क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म की जो परंपरा है वो हमारी पद्धति ही अलग तरह की है, हम एक अलग तरह की मेथोडोलॉजी एडॉप्ट करते हैं, हम नवीनता को, हम इनोवेशंस को अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखते हैं, बीट वेदांत फिलॉसफी और एनी अदर स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये तो सच है कि आचार्य शंकर ने दर्शन के इतिहास में एक ऐसा स्थान बना लिया कि उनके अनंतर जो दर्शन विकसित हुए वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में अथवा उनके विरोध में खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन यह समर्थन और विरोध नहीं है। वस्तुतः आचार्य शंकर का, समर्थकों का, और जिन्हें हम उनका आलोचक कहते हैं उनका भी, इन सब का दृष्टिकोण वही एक आत्म या व्यष्टि और समष्टि के बीच अभेद, व्यष्टि और समष्टि के बीच तादात में देखने की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति उन सभी में दिखाई पड़ती है। उपनिषद ने जो कहा तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड और ब्रह्मांड के बीच तादात्म की स्थापना की मूल प्रवृत्ति उपनिषदों में दिखती है, वह प्रवृत्ति इन सभी आचार्यों में है। चाहे वेदांत दर्शन की दृष्टि से आप देखें, चाहे न्याय दर्शन की दृष्टि से देखें, या मीमांसा की दृष्टि से देखें। एक इशू ये भी बीच में डिस्कशन हुआ, कई स्पीकर्स ने इस तरह का संकेत किया, ये आता है कि इंडिया में फिलॉसफी नहीं है, और फिर फिलॉसफी और दर्शन इन दोनों के बीच एक तरह का अंतर करके देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर हम ये मान लें कि फिलॉसफी
लॉजिकल डिस्कोर्स या एक तरह के तार्किक विमर्श का ही नाम फिलॉसफी है, तो हमको ऐसा लगता है कि भारत में तो फिलॉसफी और दर्शन दोनों रहा है। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो दर्शन को अधिक महत्व देते हैं और लॉजिकल जो एक्सरसाइज है उसको कम महत्व देते हैं, और कुछ ऐसे भी दार्शनिक संप्रदाय हैं जिन्होंने लॉजिकल एनालिसिस और ज्ञान मीमांसा को अधिक महत्व दिया, और लेकिन उनके पास भी अपनी तत्व मीमांसा और वह अंतिम छोर तक पहुंचने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। मैं दो बिंदुओं के रूप में अगर वेदांत दर्शन को एक तरफ रखूं और न्याय दर्शन को दूसरी तरफ रखूं, तो न्याय में भी ईश्वर साक्षात्कार ये प्रयोजन है, परम तत्व तक पहुंचना प्रयोजन न्याय का भी है, मेथड उनका अलग हो सकता है, और आत्म साक्षात्कार प्रयोजन शांकर वेदांत का है, ईश्वर साक्षात्कार प्रयोजन अन्य वेदांत के वैष्णव वेदांत के संप्रदायों का है, तो प्रयोजन तो दोनों में है इस तरह का। इसलिए यहाँ फिलॉसफी नहीं है यह कहना ठीक नहीं है, फिलॉसफी है लेकिन फिलॉसफी यहाँ साधन के रूप में है, और जो रियलाइजेशन है अनुभूति है वह है तो अनुभूति भी साधन ही, लेकिन तार्किक विमर्श जो है वो अनुभूति के पहले का साधन है, और एक क्रम दिखाई पड़ता है, तार्किक विमर्श, अनुभूति और फिर परम सत्य का बोध, ये क्रम बनता है, मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए इस तरह के जो आक्षेप हैं उनका उनका निराकरण पर्याप्त हो चुका है। स्वामी विवेकानंद ने उनका निराकरण एक वैश्विक मंच से किया, और इसीलिए हमने आज के विचार के लिए स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर चिंतन करने की बात केसी पांडे साहब से कहा था। समय की गरीबी है तो तीन बिंदुओं में रख करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक तो ये कि प्रोफेसर सॉरी स्वामी विवेकानंद को हम उनके उनके वेदांत को हम प्रैक्टिकल वेदांत कहते हैं, ये बहुत पॉपुलर नाम हो गया है, और इससे ऐसा लगता है जैसे उनके पूर्व का जो वेदांत है वह प्रैक्टिकल नहीं है, यह अर्थ निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि वेदांत वॉज नॉट ओनली taught and read in India, it was also lived. और जब तक कोई चीज व्यावहारिक न हो तब तक उसे हम जीवन में जिएंगे कैसे? तो स्वामी विवेकानंद के पूर्व ही लोग वेदांत को जीवन में जीते थे, तो इस अर्थ में वो प्रैक्टिकल नहीं है, और इसलिए हमने केवल एक बिंदु लिया कि किस अर्थ में और किस सीमा तक स्वामी विवेकानंद का वेदांत किस अर्थ में प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, और किस सीमा तक व्यावहारिक है। हाँ, व्यावहारिक होने का अर्थ ये नहीं है कि ये सतही है, उन्हें उस परम सत्य का बोध भी था, जिस परम सत्य के लिए, परम सत्य के बोध के लिए वेदांत दर्शन की रचना हुई है, इतनी लंबी परंपरा उसकी चली है, उस परम सत्य का उन्हें बोध भी था, लेकिन उस बोध के साथ साथ उन्होंने वेदांत को एक नया आयाम देने की कोशिश किया, एक नया डायमेंशन देने की कोशिश किया, जो जो आदर्श और जो विधियां आत्म साक्षात्कार अथवा परम सत्य के साक्षात्कार के लिए थी, पारमार्थिक रूप में थी, उन विधियों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन उन्होंने व्यावहारिक और सामाजिक जीवन में करने का प्रयास किया। परम सत्य के साक्षात्कार के अलावा भी अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम उन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो विधियां वेदांत द्वारा निर्दिष्ट और संकेतित हैं, जिनकी ओर वेदांत हमें निर्देश करता है, उन विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, और उनमें से अगर अगर ये पूछा जाए कि वेदांत का जो इंगित अर्थ है, जिस ओर वो संकेत कर रहा है, वो क्या अर्थ है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह त्याग और वैराग्य है, त्याग और वैराग्य का से युक्त जीवन जीना ये उसका संकेत है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि त्याग किसका, और मेरी समझ से यह एक तरह का मिस इंटरप्रिटेशन है कि वो जीवन और जगत के त्याग की बात करता है वह दर्शन। वास्तव में त्याग का तात्पर्य है, त्याग का तात्पर्य लोक का त्याग नहीं बल्कि भोग की इच्छा का त्याग है, और इसको इसको बहुत अच्छी तरह भगवत गीता में समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने चिंतन में रखा है, और बहुत अच्छी तरह गांधी जी ने जिया है। अभी प्रोफेसर बलराम सिंह साहब गांधी के जीवन पर चर्चा कर रहे थे, इन सभी महापुरुषों ने उसको जीने की कोशिश किया है अपने जीवन में, और पता नहीं क्यों मेरी तो आदत सी बन गई है कि जिस किसी भी विचारक पर मैं दृष्टि डालता हूँ, कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें उन सभी विचारकों में मुझे वेदांत दिखाई पड़ने लगता है, और इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वेदांत चारों ओर बिखरा हुआ है, गांधी में भी है और तिलक में भी है, श्री अरविंद में है ही, स्वामी विवेकानंद तो उसके प्रवक्ता ही हैं। तो बहुत से लोगों ने उसको व्यावहारिक धरातल पर जीने की कोशिश किया है। स्वामी विवेकानंद इस बात पर विशेष आग्रह रखते हैं कि इसको प्रैक्टिस भी किया जाए, इसको जिया जाए, इसको जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में इसको व्यवहार में लाया जाए, इसे प्रैक्टिस किया जाए, इस पर उनका विशेष आग्रह है। इस कारण उनके दर्शन को प्रैक्टिकल वेदांत नाम दिया गया। स्क्रीन पर मैं आचार्य भट्ट सर को देख रहा हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। दो तीन बिंदु हैं जहां हम स्वामी विवेकानंद के विशेष योगदान की बात कर सकते हैं। एक तो ये बात जो अभी हमने कही कि मोक्ष के लिए प्रयुक्त होने वाली विधियों का प्रयोग उन्होंने लोक कल्याण के लिए करने की बात की। उन्होंने लोक कल्याण के निमित्त हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है, इस पर उन्होंने विशेष आग्रह दिया। दूसरा योगदान उनका बहुत बड़ा यह है कि उन्होंने मोक्ष और मुक्ति के कई डायमेंशन नए नए हमको निर्दिष्ट किए, कई अलग अलग आयाम दिखाई पड़ने लगे। मुक्ति का अर्थ केवल वह पारिभाषिक अर्थ में ही मुक्ति नहीं है उनके लिए, वो तो अशिक्षा से मुक्ति, शिक्षा की व्यवस्था करिए, अशिक्षा से मुक्ति दीजिए समाज को, रोग से मुक्ति दीजिए समाज को, तो शिक्षा से, अशिक्षा से मुक्ति के लिए विद्यालय की का विकास किया जाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये भी एक तरह का मोक्ष है। रोग से मुक्ति के लिए अच्छे चिकित्सालय बनवाए जाएं, और इसको उन्होंने किया, और उनके जो आश्रम हैं वहां ये कार्यक्रम बाकायदे चल रहे हैं। और उन्होंने अंतिम बिंदु जो मैं रखना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छे एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया है कि वेदांत परंपरा में बद्ध और मुक्त में अंतर क्या है। एक मैं उनका कोई लेक्चर पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो बद्ध व्यक्ति होता है, जो बॉन्डेज में है, वह उस हरे नारियल की तरह होता है जिसमें पानी भरा होता है, अगर उसके स्कल को आप फोड़ते हैं तो वो पूरा पूरा फट जाएगा। लेकिन जो मुक्त जीव हो, मुक्त व्यक्ति होता है, वह सूखे हुए नारियल की तरह होता है कि स्कल को आप तोड़ दीजिए तो वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो शरीर और आत्म
जो देहाध्यास है उससे मुक्त रहता है मुक्त व्यक्ति, और जो बद्ध व्यक्ति है वो देहाध्यास में फंसा रहता है। इस तरह के बड़े व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने वेदांत दर्शन के दुरूह विषयों को व्यावहारिक जीवन में लाने का प्रयत्न किया और उस प्रयत्न में सफल रहे, इसलिए हम लोग उनके वेदांत को व्यावहारिक वेदांत कहते हैं। मैं पूर्व वक्ताओं को, वर्तमान वक्ताओं को, भावी वक्ताओं को, आयोजकों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी का को विराम देता हूँ, और अगर 2-4 मिनट भी मैं बचा सका तो केसी पांडे के लिए बहुत काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक सर वो बोलिएगा वहाँ एसपीएम में, एसपीएम में आप बोलते रहिएगा, मैं बीच में जुड़ जाऊंगा सर एसपीएम में। ठीक 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 ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विवेकानंद पर आपके इस व्याख्यान को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई सर, आपने अद्भुत ढंग से समेटा है इस विशाल विशाल विषय को, जिसको कि आप इसमें संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं। इसका इसका बेसिकली होराइजन बहुत बड़ा आपने लिया, लेकिन आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से, एज यूजुअली आप हमें पढ़ाते रहे हैं, तो हम लोग सब आपके क्लासेस के प्रशंसक रहे हैं सर हमेशा।